क्या गिफ्ट दिए भाभी से? एक सवाल, आप भैया जी को क्या गिफ्ट दिए आज? आपके क्या एक टैटू बनवाई है, एक टैटू बनवाई है, वो दिखा सकती हैं जो गिफ्ट आपने दिया है? सोशल मीडिया पे पूरा फोटो वायरल हो रहा है, ये देख सकते हैं, यही गिफ्ट है। गुंजन, पहले तो गुंजन भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और 2024 आपका खास रहे और भगवान करे कि 2024 में आप सांसद भी बन जाए। क्या कहिएगा जन्मदिन के शुभ अवसर पे? आप बच्चों के साथ केक काटे, इतना प्यार बच्चे आपको दिए, क्या कहिएगा बच्चों के बारे में और कैसा लगा आप सेलिब्रेट करके बर्थडे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बार तो जन्मदिन मना है बहुत 5-star होटल में जी, लेकिन इस बार यहाँ मना करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये असहाय बच्चों के साथ मना रहे हैं। उनको ऐसे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं जो समझिए जिनको रखने के लिए छत नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ऐसे लोगों के संस्था जो है सारी व्यवस्थाएं दे रही है। तो हम इनसे बात हुई तो हम सोचे कि यहीं पे मनाएं और हमारे तरफ से भी आज कुछ डोनेशन रहेगा जो इन बच्चों के भविष्य में काम आएगा। कितना डोनेशन दे रहे हैं आज? 21,000 रुपये दे रहे हैं और भी आगे जितना होगा मदद करेंगे। और देखिए रहे हैं, बच्चे इतने अच्छे हैं, सब कोई 8 साल से कोई 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे इन लोग सब देखती हैं, मैम हैं जो संस्था चलाती हैं, प्लस सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, जो बनना चाहते हैं लोग बन जाएं। वाह, क्योंकि आप लोग देखते होंगे भैया, ये बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसको लोग बोरा में बांध के तो कहाँ कहाँ फेंक देगा, समझ रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कार्य ना करें। और उनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं गायक। एक दिन हम आए थे तो वो बोले कि मुझे गाना गाना है, गाना गायक बनना चाहते, तो हम बोले चला एक गाना हमारा तरफ से रहेगा भाई, बाकी तो हर भगवान जाने, बाकी जो बनना चाहते हैं, कोई फोर्स में जाना चाहती हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो ज़रूर बने, भगवान से मेरी मतलब प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बच्चे तो एकदम ज़रूर से ज़रूर बने जिनका कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो ऐसे के लिए ये संस्था है। तो बच्चों को आप लाने का मौका देंगे अपने? एकदम एकदम जरूर, 100%। आज आपका जन्मदिन है, मगही से लेकर भोजपुरी में हर तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, फैंस केक काट रहे हैं, क्या कहिएगा आप? मतलब मगही के तो आपसे बड़ा कोई स्टार नहीं है, भोजपुरी की बात किया जाए तो लगातार हर जगह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मतलब हर जगह से लोग बधाई दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके, पूरा बधाई बधाई। और भी है कि 25 जनवरी को नवादा में, नवादा के हिसुआ में हाई स्कूल के ग्राउंड में 1 बजे दिन में जन्मदिन मनाया जाएगा 25 जनवरी को, जिसमें पावर स्टार बड़े भैया पवन सिंह जी भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी अपना जिला में भी मनल जरूरी ना है, एकदम एकदम वहाँ भी गर्दा उड़ावल जाए। तो 25 जनवरी को सब लोग को सूचना दे रहे हैं, सब भाई लोग हमारे जहाँ भी रहे वहाँ पहुँच जाए और आप लोग भी तमाम मीडिया वहाँ जरूर उपस्थित रहें। भैया कंट्रोल नहीं होगा भीड़? तो कंट्रोल नहीं होगा तो अनकंट्रोल तो होने हैं, पवन सिंह और गुंजन सिंह जहाँ जाएगा तो फिर आंधी तो आना ही है और जनता जनार्दन सब अपना चाहने वाले जो हैं, क्योंकि ये वीडियो सब चढ़ेगा तो जान रहे हैं कितना कितना पब्लिक देखेगा, फिर तो आपके घर पे बहुत भीड़ लगेगी एकदम। उस दिन वहाँ केक कटेगा नवादा के सब में बटेगा, बटालियन बुलाना पड़ेगा सारा फोर्स का व्यवस्था है और मेरा जनता जनार्दन ही सब फोर्स सब तैयार है, नवादा के लोग हमारे गार्जियन सब। दिन में एक बजे 25 जनवरी को हिसुआ के हाई स्कूल के ग्राउंड में। अच्छा, वहाँ पे साथ में पावर स्टार पवन सिंह जी भी आएंगे? हाँ। क्या आज आपकी पावर स्टार पवन सिंह से बात हुई? क्योंकि अक्सर आपके सोशल मीडिया पे उनके साथ के फोटोज वीडियोज ट्रेंड करते रहते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा आपके लिए आज? वो तो रात ही फोन कर दिए थे 12:20। अच्छा, फोन भी रात को ही बधाई दी है? हाँ। अच्छा, पूरे परिवार के साथ हैं, भाभी भी हैं, भाभी क्या कहना चाहेंगे भैया के ऊपर? भाभी से एक सवाल, आप भैया जी को क्या गिफ्ट दिए आज? आपके क्या एक टैटू बनवाई है, एक टैटू बनवाई है, वो दिखा सकती हैं
जो गिफ्ट आपने दिया है सोशल मीडिया पे पूरा फोटो वायरल हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये गिफ्ट है गुंजन। वाह, आप देख सकते हैं भाभी ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है भैया को। इसको बनवाने में दर्द कितना हुआ है भैया, परेशान नहीं करते हैं ना? नहीं बिल्कुल। ये सब जो है टैटू उटू जो है कितना हार्ड वर्क है, सही बात। हम जानते तो कभी बोलते ही नहीं कि टैटू उटू बनवाओ। इसका था कि हम ऐसा मतलब ये गिफ्ट दे तो सोची कि हम बहुत खुश हो जाएंगे टैटू पर। अच्छा अच्छा, अब इससे बड़ा क्या होगा, मतलब आपको बिना बताए बनवाया है ना। हाँ, सरप्राइज था। और हम देखे तो हमको ये दुख हुआ, ये नहीं हुआ कि दुख की क्यों बनवाई, बनवाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कितना दुखा होगा इसके कारण। माता जी आपको कैसा लग रहा है, आपके पुत्र हैं और अभी इतना नाम कमा चुके हैं ये, तो कोई भी आपसे मिलते होंगे तो इनके बारे में बातें होती होंगी, कैसा लगता होगा? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुश। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों बर्थडे में खर्च कर देते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, स्टेप लेना चाहिए? ज़रूर, बाकी सबका अपना अपना इच्छा भाई। सही, अब हम किसी को क्या बताएं, मेरा इच्छा था कि ऐसा करें और वहाँ भी मनते रहता है, बड़ा तरीके से भी मनता है, बड़े लेवल पर भी, तो फिर प्लान हो रहा था कुछ ऐसा ही, लेकिन मन हुआ कि कुछ ऐसे किया जाए, क्योंकि वृद्धाश्रम भी हम जाते रहते हैं, चाहे कोई भी ऐसा जगह हो, कंबल वितरण अभी हाल ही में हम किए ठंड में। चाहेंगे सर कि अपने फैंस को अपने गाने के माध्यम से थैंक्स बोल दिए जाए। राम आए हैं जो गाना लाए हैं आप, एक और बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा गाना है, वही गाना करिए आप। हर कोयल कुह कुह गाओ, अप पिहा पिहु पिहु गाओ, कि कोयल कुह कुह गाओ, अप पिहा पिहु पिहु गाओ, आ राजाओं के राजा महाराजा आए हैं। राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, ढोली ढोल बजाओ, ढोली ढोल बजाओ, आ घर घर दीप जलाओ, राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं। अब इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है, दो दिन बाद श्री राम भगवान का आगमन अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या जाने वाले हैं कि नहीं भैया? जाएंगे अयोध्या, अभी तो मोदी जी बोले हैं कि थोड़ा धीरे धीरे एक बार जो कह दिए कि आ जाओ तो अयोध्या में जगह रहेगा, हो सही बात, पूरा देश है, लंदन से लोग अंग्रेजी में बोलते बोलते एक बार राम जी को देखने आए, क्योंकि सबका मालिक राम, राम आना पड़े आना ही। भैया उन लोगों को क्या कहना चाहिए कि वो राम जी को अब मंदिर बना उसमें बोल रहे हैं, कुछ मूर्ख लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, अपने राम के बदनाम किया जा रहा है, अपने जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है उसके कारण। थोड़ा बोले वाला बोले ना, सबके दिल में राम बसते हैं, वो एक के थोड़े हैं, वो सबके हैं राम भगवान, इसमें कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा, एक ना एक दिन उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। बस बोलिए एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। आपको हैप्पी बर्थडे दिल से भैया। अरे भाई बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।